सलमान खान की वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेसेस सोनाक्षी सिन्हा सलमान खान की सिस्टर अर्पिता की वेडिंग से गायब रही थी और इससे कई तरह की स्पेकुलेशंस भी की जा रही थी, लेकिन अब एक न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट छापी है कि अर्जुन कपूर की वजह से सोनाक्षी सिन्हा को इस शादी में आने का इन्विटेशन नहीं मिला। दरअसल अर्जुन कपूर कुछ साल पहले तक सलमान खान की सिस्टर अर्पिता को डेट कर रहे थे, ऐसे में उन्हें इस शादी में नहीं बुलाया गया और साथ ही खबर है कि सोनाक्षी सिन्हा अर्जुन कपूर को डेट कर रही है, ऐसे में उनका नाम भी इस वेडिंग की गेस्ट लिस्ट से हटा दिया गया। खबरों की माने तो एक्ट्रेस सनी लियोनी ने एक यूथ रियलिटी टेलीविजन शो को होस्ट करने के लिए पूरे 4 करोड़ की डिमांड की है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि रियलिटी शो के मेकर्स ने सनी को 70 लाख तक का ऑफर दिया था, लेकिन सनी ने 4 करोड़ रुपए की डिमांड करके सबको चौंका दिया। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो रिसेंटली सिद्धार्थ मल्होत्रा के फोन के आउटगोइंग कॉल्स को उनके टेलीकॉम ऑपरेटर ने बंद कर दिया। दरअसल सिद्धार्थ ने पिछले कुछ महीनों से अपना बिल पे नहीं किया है, यही वजह है कि उनके टेलीकॉम ऑपरेटर ने उनके आउटगोइंग कॉल्स को बंद कर दिया, जिससे सिद्धार्थ को काफी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। रिसेंटली सोनाक्षी सिन्हा ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक शख्स की खूब क्लास लगाई थी और अब सोनाक्षी का कहना है कि वो जनरली किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं करती, लेकिन अगर कोई अपनी हद पार करता है तो वो चुप भी नहीं बैठ सकती। खबरों की माने तो एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा पूजा भट्ट के भाई राहुल भट्ट की फिल्म कैबरे के लिए ट्रेन करेंगी। दरअसल पूजा भट्ट चाहती है कि उनकी इस फिल्म के लिए ऋचा फिट दिखे, यही वजह है कि उन्होंने अपने भाई राहुल भट्ट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट होने से पहले वो ऋचा को अच्छी तरह से ट्रेन करे। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो एक लग्जरी कार गिफ्ट करने के बाद अब खान फैमिली ने अर्पिता खान को मुंबई में एक सी फेसिंग अपार्टमेंट गिफ्ट किया है। जी हाँ, खान फैमिली चाहती थी कि अर्पिता मुंबई में सलमान खान के घर के पास ही रहे, ऐसे में खान फैमिली ने अर्पिता के लिए ये प्लश अपार्टमेंट खरीदा है। खबरों की माने तो आजकल दीपिका पादुकोण बंगाली लैंग्वेज सीख रही हैं। दरअसल फिल्म पीकू में दीपिका एक बंगाली लड़की का रोल प्ले कर रही हैं। ऐसे में फिल्म के डायरेक्टर सुजीत सरकार चाहते थे कि दीपिका इस लैंग्वेज को समझें और अपने डायरेक्टर की डिमांड पर दीपिका जमकर इस लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रही हैं। सोर्सेज की माने तो डायरेक्टर कबीर खान सलमान खान को उनके बर्थडे पर एक स्पेशल गिफ्ट देने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कबीर खान फिल्म बजरंगी भाईजान का फर्स्ट लुक 27 दिसंबर को अनवेल करना चाहते हैं, जिसकी तैयारी वो जोरों शोरों से कर रहे हैं। हाल ही में कबीर ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू की है। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो सलमान खान ने अपनी सिस्टर अर्पिता की शादी में लूलिया बैंटूर को सबसे मिलवाया। यही नहीं, सलमान ने लूलिया को गेस्ट से मिलवाते हुए कहा, मीट माई गर्ल लूलिया। साफ है सलमान खान का लूलिया कनेक्शन अभी भी जबरदस्त है।